आज के वीडियो में बात कर रहे हैं खुफिया विभाग मतलब इंटेलिजेंस ब्यूरो के अंदर एक नई वैकेंसी यहाँ पे निकाली गई है, उसके लिए यहाँ पे नोटिस जारी कर दिया गया है। तो हम आपको बताने वाले हैं कौन कौन सी पोस्ट पे वैकेंसी निकाली गई है, कितने पदों पे वैकेंसी निकाली गई है, उसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, ज्वाइनिंग तक का क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन इसके लिए मांगा गया है और कैसा आपका एग्जाम पैटर्न होने वाला है। ये सारी जानकारी मैं आपको देने बताने वाला हूँ, तो आप सभी से अनुरोध की वीडियो को पूरा देखें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा शेयर करें। चलिए स्टार्ट करते बिना देरी किए। देखिए जैसा कि आप सभी को जरा के देखिए ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर आ गए यहाँ पे, तो जो नोटिस यहाँ पे पेपर में देखिए आज के पेपर में सभी जगह आया है, तो मैं वो वहाँ पे लेके चलता हूँ आप लोगों को। देखिए जैसा कि आप सभी को जरा के देखिए हम आ गए हैं नोटिस के ऊपर। देखिए आई ऊपर लिखा गया इंटेलिजेंस ब्यूरो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। देखिए पद का नाम यहाँ पे क्या है, कौन से पोस्ट पर यहाँ पे निकाला गया है, सिक्योरिटी असिस्टेंट या मोटर ट्रांसपोर्ट, ये एक पोस्ट आपका, और दूसरा है MTS जनरल का, यहाँ पे आपका पोस्ट निकाला गया है। यहाँ पे दो पोस्ट पे यहाँ पे वैकेंसी निकाली गई है। तो यहाँ पे देखिए उसके नीचे हम थोड़ा नीचे चलेंगे तो यहाँ पे देखिए आपको क्या लिखा गया है, मतलब कि ब्यूरो लिखा हुआ है, कौन से ब्यूरो में यहाँ पे वैकेंसी निकाला गया है, और उसके बाद यहाँ पर रैंक लिखा गया है, उसके बाद यहाँ पे वैकेंसीज के बारे में बताया जा रहा है कौन से स्टेट में कितनी वैकेंसी है, SA MT का या फिर MTS जनरल का। तो देखिए यहाँ पर बात करें तो अगरतला के अंदर देखिए टोटल 6 वैकेंसी निकाला गया है, SA MT का मतलब सिक्योरिटी असिस्टेंट का, और MTS का एक वैकेंसी निकाला गया है। अहमदाबाद में देखिए SA MT के लिए यहाँ पे 9 पद निकाला गया है और MTS के 14। इसी प्रकार से आप अपने स्टेट में देख लें। देखिए एक बार मैं आपको बता दूं, देहरादून के अंदर देखिए यहाँ पे माफ़ कीजिएगा, दिल्ली के अंदर हेडक्वार्टर IB हेडक्वार्टर के अंदर देखिए SA MT के यहाँ पे वैकेंसी देखिए 93 है, और MTS जनरल का बात किया जाए तो 98 पद पर यहाँ पर निकाला गया है। इसी प्रकार से आगे चलते हैं तो यहाँ पर देखिए इसी प्रकार से आपको देख लेना जो भी स्टेट का यहाँ वैकेंसी है वो देखिए टोटल मिला के हम बात किया जाए तो यहाँ पे ग्रैंड टोटल देखिए सिक्योरिटी असिस्टेंट या फिर मोटर ट्रांसपोर्ट का यहाँ पे वैकेंसी टोटल निकाला गया है कितना, 362 पदों पर वैकेंसी निकाला गया है, और MTS के लिए यहाँ पे 315 वैकेंसी पे निकाला गया है यहाँ पे टोटल आपका। देखिए मैंने आपको स्टेट बाय स्टेट यहाँ से देख सकते हैं, जैसे पटना में देखिए कितना निकाला गया है, पटना में देखिए आपको निकाला गया SA MT के लिए यहाँ पे देखिए टोटल 9 पद निकाला गया है, उसके बाद फिर MTS के लिए यहाँ पे बात किया जाए तो 6 पद निकाला गया था। आप उसी प्रकार से आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। देखिए अब आगे चलते हैं हम लोग, क्या आपका यहाँ पे पैटर्न के बारे में, एग्ज़ाम क्वालिफिकेशन के बारे में, सैलरी के बारे में, ये सारी जानकारी मैं आपको अब बताने वाला हूँ। देखिए यहाँ पे क्या लिखा गया है, एप्लीकेंट्स आर एडवाइज टू गो थ्रू ऑल द पैरामीटर्स अंडर डिफरेंट डिफरेंट पैराज एंड सब पैराज, ये सारी जानकारी यहाँ पे बताया जा रहा है। ये देखिए ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ पे देखिए आप लोग को दिया गया है, www.mha.gov.in के ऊपर जाके देख सकते हैं, या फिर NCS पोर्टल के ऊपर भी जाके यहाँ से देख चेक कर सकते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पे पोस्ट के बारे में बताया जा रहा है। यहाँ पे देखिए क्लासिफिकेशन जनरल सेंट्रल सर्विस ग्रुप सी का ये पोस्ट है, नॉन ग्रेजुएटेड नॉन मिनिस्ट्रियल पोस्ट है ये। अब बात करते हैं पे स्केल कितना है, सिक्योरिटी असिस्टेंट का यहाँ पे पे स्केल Level 3 का है, 21,700 से लेके 69,100 तक आपकी यहाँ पे सैलरी आपकी रहेगी यहाँ पे, और इसके साथ आपको सेंट्रल गवर्नमेंट की जितनी भी अलाउंसेस मिलती हैं 21,700 आपका बेसिक है, उसके प्लस उसके अलावा जैसे HRA DA ये सारी चीज़ आप मेडिकल अलाउंस जो सारा चीज़ आपको मिलता है वो सारी चीज़ आपको यहाँ पे मिला जाएगा। उसके बाद बात करते हैं MTS का, तो MTS का Level 1 का आपका पे लेवल रहेगा यहाँ पे, जिसको 18,000 से लेकर 56,900 तक आपकी सैलरी रहेगी। उसके अलावा सेंट्रल गवर्नमेंट के अलाउंसेस जितने मिलते हैं वो सारी चीज़ आपको यहाँ पे मिलेगा। नोट के अंदर देखिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, स्पेशल सिक्योरिटी अलाउंसेस, मतलब कि एक यहाँ इसके अंदर एक आपको अलग से अलाउंस मिलेगा आपका स्पेशल सिक्योरिटी अलाउंस, जो कि 20% आपका बेसिक पे के आपका यहाँ पे दिया जाएगा। कैश कंपनसेशन इन लीव ऑफ ड्यूटी परफॉर्म्ड ऑन हॉलीडेज, जैसे 30 दिन का आपको यहाँ पे देखिए कैश कंपनसेशन, मतलब कि आपको छुट्टी का यहाँ पे कोई भी पैसा नहीं कटा जाएगा उसके लिए। उसके बाद क्या आया था एसेंशियल क्वालिफिकेशन के लिए, तो इसके लिए दोनों पोस्ट पर यहाँ पे आपको क्लास 10th मांगा गया है यहाँ पे, अगर आप क्लास 10th पास हैं तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। और दूसरा है पोजीशन ऑफ डोमिसाइल सर्टिफिकेट ऑफ डैट स्टेट अगेंस्ट विच कैंडिडेट हैज़ अप्लाइड, देखिए इसके अंदर जिस भी स्टेट के आप यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो उसके लिए आपको डोमिसाइल कंपलसरी है, यहाँ पे देखिए साफ साफ लिखा गया है। जैसे कि अगर आप पटना से हैं तो आपको पटना में अप्लाई करना होगा, अगर आप अदर स्टेट के करते हैं तो वहाँ का डोमिसाइल आपके पास होना चाहिए तभी आप अप्लाई कर सकते हैं, नहीं तो आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो देखिए एक ये डिमेरिट यहाँ पे कहा जा सकता है, क्योंकि जिस स्टेट में हमारी वैकेंसी नहीं है तो यहाँ पे वो बच्चे क्या करेंगे, तो एक ये डिमेरिट हो सकता है यहाँ पे इसका। देखिए ओनली फॉर SA MT, ये सिर्फ सिक्योरिटी असिस्टेंट और मोटर ट्रांसपोर्ट का जो वैकेंसी था उसके लिए यहाँ पे देखिए ये आपका 3 क्वालिफिकेशन मांगा गया है, जो कि पहला तो आपको देखिए क्लास 10th पास आपको होना चाहिए SA MT के लिए, और MTS का तो क्लास 10th पास आपका कंपलसरी है, और दूसरा है SA MT के लिए यहाँ बात किया तो आपको ड्राइविंग लाइसेंस LMB आपका होना चाहिए यहाँ पे। उसके अलावा मोटर मैकेनिज्म का आपको यहाँ पे जानकारी होना चाहिए, और मोटर कार मतलब आपको गाड़ी चलाने का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए आपके पास, यही आपका है यहाँ पे। देखिए उसके बाद बात करते हैं एज लिमिट के बारे में बात करें, तो एज लिमिट के बारे में हम बात करें तो MTS जनरल का यहाँ पे देखें 18 से 25 साल आपका रहेगा, जो कि
फॉर्म का जो क्लोजिंग डेट है वो आपका रहेगा वहाँ पे। और बात किया जाए तो SAMT का, तो यहाँ पे 27 साल, आपका 27 साल से ज़्यादा आप यहाँ पे नहीं होंगे। अब यहाँ पे कुछ एज रिलैक्सेशन भी आपको मिला जाता है, जैसे कि SC OBC कैंडिडेट को 3 साल का और SC ST को 5 साल का। उसके बाद फिर यहाँ पे डिपार्टमेंटल कैंडिडेट को 40 साल का, यहाँ पे अगर 40 ईयर है जो उनको 3 साल का यहाँ पे मिलता है आपको। देखिए 40 साल तक आप यहाँ पे फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, अगर आपने 3 साल का रेगुलर और कंटिन्यूस सर्विस कर लिया है तो। इसी प्रकार से आप यहाँ पे चेक कर लें। देखिए उसके आगे चलते हैं यहाँ पे, देखिए उसका ही बात करते हैं यहाँ पे। देखिए सर्विस लाइबिलिटी, द पोस्ट इन्वॉल्व्स ऑल इंडिया ट्रांसफर लाइबिलिटी, मतलब ये यहाँ पे ऑल ओवर इंडिया के अंदर आपको यहाँ पे ट्रांसफर किया कहीं भी किया जा सकता है। अब बात करते हैं स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, आपका एग्जाम कैसे लिया जाएगा। देखिए पहला तो Tier 1 है, Tier 1 SAMT और MTS जनरल दोनों के लिए कॉमन यहाँ पे आपका एग्जाम लिया जाएगा सबसे पहले Tier 1। तो उसके अंदर क्या है, यहाँ पे जनरल अवेयरनेस आपको 40 40 मार्क्स का रहेगा, आपका क्वांटिटेटिव 20 मार्क्स का रहेगा, मतलब मैथ्स, न्यूमेरिकल एनालिटिकल लॉजिकल एबिलिटी और रीजनिंग, जो कि आपका रीजनिंग कहा जाए बेसिकली, वो 20 मार्क्स का रहेगा। इंग्लिश आपका 20 मार्क्स का रहेगा। टोटल मिलाकर 100 मार्क्स आपका पेपर रहेगा, 1 घंटे का समय दिया जाएगा, 1/4 आपका नेगेटिव मार्किंग रहने वाला है। Tier 2 के बारे में बात किया जाए तो Tier 2 में आपका देखिए फॉर SAMT, यहाँ पे सिर्फ SAMT के लिए यहाँ पे देखिए बोला गया है। तो आपके इसके अंदर मोटर मैकेनिज्म और ड्राइविंग टेस्ट आपका यहाँ पे लिया जाएगा, ड्राइविंग टेस्ट कम इंटरव्यू आपको वहाँ पे सारा चीज़ चेक किया जाएगा, आपको यहाँ पे 50 मार्क्स का वो आपका होगा। उसके बाद करते हैं Tier 2 किसके लिए, MTS और जनरल के लिए। तो ये आपका डिस्क्रिप्टिव टाइप का पेपर आपका होने वाला है इंग्लिश लैंग्वेज एंड कम्प्रीहेंशन का। तो इसके अंदर आपको क्या क्या चीज़ चेक किया जाएगा, बेसिक ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज बेसिक आपका चेक किया जाएगा, वो कैब आपका चेक किया जाएगा, करेक्ट ग्रामर और सेंटेंस स्ट्रक्चर, सिनोनिम्स एंटोनिम्स और उसके करेक्ट यूजेज, ये सारा चीज़ आपको चेक किया जाएगा। उसके बाद कम्प्रीहेंशन पैराग्राफ आपको राइटिंग इन 150 वर्ड्स आपको लिखना भी होगा, पैराग्राफ और कम्प्रीहेंशन ये सब कुछ लिखना होगा। Tier 2 आपका जो भी है वो आपका Tier 2 एग्जामिनेशन विल बी क्वालिफाइंग नेचर विद क्वालिफाइंग मार्क्स 20 मार्क्स। देखिए ये आपका जो है क्वालिफाइंग है, Tier 1 के बेसिस पे ही आपका देखिए यहाँ पे आपका मेरिट बनेगा। Tier 2 आपको सिर्फ क्वालिफाई करना है, 50 में से 20 मार्क्स ले आइए, क्वालिफाई कर जाइएगा। अब बात करते हैं कितने बच्चों को यहाँ पे Tier 2 के लिए बुलाया जाएगा। जैसे कि आप MTS के पोस्ट पर तो Tier 1 का एग्जाम देंगे, तो Tier 2 में कितने बच्चों को बुलाया जाएगा, तो 10 टाइम्स द नंबर ऑफ वैकेंसी, जितना वैकेंसी उसके 10 गुना बच्चों को यहाँ पर बुलाया जाएगा Tier 2 एग्जाम के लिए। चलिए आगे चलते हैं, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। देखिए यहाँ पे बात किया जाए तो द कट ऑफ मार्क्स आउट ऑफ 100 इन Tier 1 एग्जामिनेशन वुड बी, जो मिनिमम कट ऑफ जो आपका होता है जो 35 मार्क्स आपका जनरल के लिए है, OBC के लिए 34 है, SC ST के लिए 33 है और EWS के लिए 35 है यहाँ पे। तो ये मिनिमम आपका है, जो कि आपका तो कट ऑफ तो जानते हैं थोड़ा हाई जाएगा यहाँ पे। जैसे इससे कम मार्क्स आपको आएगा तो आप ऐसे ही डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, आप तो रेस में भी नहीं रहेंगे। और बात करते हैं यहाँ पे, देखिए आपका सिर्फ आपका Tier 1 और Tier 2 फॉर द पोस्ट ऑफ SAMT, ये देखिए सिर्फ SAMT के लिए आपको Tier 1 Tier 2 के बेसिस पे आपका यहाँ पे आपका लिया जाएगा, आपका मेरिट बनेगा। और बात करते हैं MTS जनरल के लिए, तो आपका सिर्फ Tier 1 के एग्जाम पे जो मैंने आपको बताया था वही आपको यहाँ पे करना है, उसी के बेसिस पे आपका यहाँ पे मेरिट बनेगा। अब बात करते हैं सिटी ऑफ एग्जामिनेशन, कहाँ पे आपका एग्जामिनेशन लिया जाएगा। तो वाइल फिलिंग इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन द एप्लीकेंट शुड केयरफुली डिसाइड अबाउट हर सिटी चॉइस, आपको देखिए सिटी चॉइस कहाँ पे आपका ऑप्शन मिलेगा यहाँ पे। चलिए यहाँ पे तो ऐसा कुछ दिया गया नहीं है। अब हम आपको बताने वाले कब से फॉर्म को फिलअप होगा। देखिए फॉर्म फिलअप का स्टार्टिंग डेट आपका देखिए 14/10/2023, मतलब 14 अक्टूबर से लेके 13 नवंबर तक आपके यहाँ पे फॉर्म फिलअप आपका किया जाएगा। यहाँ पे रजिस्ट्रेशन भी देखिए, रजिस्ट्रेशन का वही आपका देखिए, तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे है 14/10/2023 से लेके 13/11/2023 तक आपको फॉर्म फिलअप का यहाँ पे डेट आपको दिया गया है। अब बात करते हैं एग्जामिनेशन फ़ी, एग्जामिनेशन फ़ी कितना आपको लगेगा यहाँ पे। तो देखिए अब बात करते हैं हम लोग यहाँ पे, इट इज़ इन 2 कंपोनेंट्स। एग्जामिनेशन फी 50 रुपये, 50 रुपये का आपका एग्जामिनेशन फी रहेगा और रिक्रूटमेंट प्रोसेस चार्ज 400 रुपये रहेगा एंड टू बी पेड एज अंडर। तो ऑल कैंडिडेट्स, सभी कैंडिडेट को देखिए रिक्रूटमेंट प्रोसेसिंग फी आपको देना होगा और मेल कैंडिडेट ऑफ जनरल EWS एंड OBC कैटेगरी एग्जामिनेशन फी इन एडिशन टू। देखिए सभी कैंडिडेट के लिए बात किया जाए तो यहाँ पे आपको देना होगा रिक्रूटमेंट प्रोसेसिंग चार्ज जो भी आपको रहेगा। और बात करते हैं मेल कैंडिडेट जो कि हैं, आप जनरल से हैं, EWS से हैं, OBC से हैं, तो आपको यहाँ पे आपको टोटल मिला के आपको 500 रुपये आपको पेड करना होगा यहाँ पे। चलिए आगे चलते हैं यहाँ पे, मोड ऑफ पेमेंट देखिए ये ऑनलाइन यहाँ पे दिया गया है, यही सारा चीज़ है। देखिए ऑनलाइन मैंने बता ही दिया आपको लास्ट डेट कब तक है, सारी चीज़ मैंने आपको बता दिया यहाँ पे। देखिए यही था, देखिए अगर आपको फिर भी कोई डाउट रहेगा तो हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, वहाँ पे आपको रिप्लाई कर दूंगा अगर आपको कोई डाउट रहेगा तो। अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा शेयर करें। चलते मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।